लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस बार भी जो चुनाव हो महिलाओं को लेकर चुनाव हो, महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव हो। यही वजह है कि भाजपा ने यह तय किया है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जिसको मैं महिलाओं को लेकर जो काम किए उसको लेकर महिलाओं के बीच में जाएंगे और महिलाओं को संगठित करेंगे। जी जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के विषय में बहुत काम किया है और उनको उनके सुरक्षा पे, उनके आगे बढ़ने, उनके जैसे कि अभी उसमें पास कराया कि उनका आरक्षण मिलना चाहिए, जो ये लोग खाए हुए थे, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है कि आधी आबादी महिलाओं की है, उनको भी आगे बराबर आना चाहिए, बराबर उनको भी कंधे में कंधे मिला करके पुरुषों से, जब समाज बदल चुका है, किसी शताब्दी में चले गए, अब उनको पीछे क्यों, घर चौका बासन तक तड़ी रहेंगे, वो कहाँ आज कल्पना चावला वगैरह अंतरिक्ष तक पहुँच गई, तो उनको बढ़ना चाहिए और सब बहुत अच्छी बात है और इसको हम स्वागत करते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए, यही मुद्दा रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर हमने महिलाओं के लिए काम किया, इसका फायदा मिलेगा भाजपा को? एकदम मिलेगा, क्योंकि महिलाएं भाजपा के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में सब महिला सुरक्षित हैं और पुरुष चाहे मोहम्मदन कम्युनिटी में जो भी बोले, लेकिन महिला लोग खुश हैं और लोग भाजपा को वोट करेंगी, ऐसा लगता है। थोड़ा मुश्किल नहीं होगा समझा पाना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को? नहीं, मुस्लिम वर्ग की महिला जो मुस्लिम से त्राहिमाम स्थिति में थी, तलाक जैसे मुद्दों से झेल रही थी, वो लोग समझाने पर नहीं, वो लोग अपना माइंड मेकअप की हुई है कि हमको मोदी जी को वोट देना है, कह के जाएंगे कहीं और वोट कर देंगे कहीं और, ऐसा लगता है मोदी जी के साथ हैं। ये जो लखपति दीदी जैसे प्रोग्राम जो चले, इसका कोई फ़ायदा मिल पाया भाजपा को, मिलेगा? देखिए, लखपति दीदी बनाने का जो इनका एक सपना है तो वो तो खैर बहुत अच्छा है, और राशन कार्ड हो या बिजली हो या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ करके और महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम के सरकार द्वारा चलाए गए हैं, ये बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे हैं जो है, और इससे महिलाओं का सब, और अभी जो सौर ऊर्जा का एक आया है, इसमें फार्म जो भरे जा रहे हैं, जिन जो गरीब लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं उनको सरकार ने जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था किया है उनके लिए जो है, उसमें भी महिलाओं के नाम से ही सब कुछ हो रहा है टोटल, और तमाम इसमें लोग भी बातें तमाम आई कि राशन कार्ड अब महिला के नाम से होता है, पुरुष के नाम से नहीं होता है, पहले पुरुष के नाम से ही होता था लेकिन अब सारा कुछ महिलाओं के नाम से ही हो रहा है, तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का प्लान था महिलाओं को हर चीज़ में आगे ला दो, प्राथमिक जो है बना दो उनको, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या प्लान मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, आप रोडों पर ऑटो चलाते महिलाओं को देखेंगे, सेना में महिलाओं को देखेंगे, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और उसके बाद आप इसरो जैसे संस्थान में महिलाओं को है, फिक्की है, तमाम ऐसी जगहों पे महिलाओं को जो उनकी क्वालिटी है और गैस सिलेंडर जैसे क्षमता के अनुसार गैस सिलेंडर मोदी जी ने उन महिलाओं को दिया जो कभी सिलेंडर देखा नहीं था, तो यह जो योजना महिलाओं के लिए, और रही बात ट्रिपल तलाक की, तो ये तो समाज के एक अभिशाप था, 60 साल के बाद उनको तलाक मिल जाए, 80 साल के बाद मिल जाए, 20 साल के बाद मिल जाए, ये सियोरिटी नहीं थी कि कब उनको तलाक मिल जाए, तो इसलिए जो है कानून बनना जो है यह महिलाओं के हित में हुआ है और मुस्लिम महिलाएं इसको भली भांत समझती हैं। ठीक है, विपक्ष धराशायी हो जाएगा जब महिलाओं को लेकर काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा की प्रदेश और जो है केंद्र की सरकार ने, तो सारी महिलाएँ भाजपा के साथ होंगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सऊदीया की रास्ता खुलाई थी और जो है जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे को राष्ट्रपति बनाया था, और 100 रुपया पर जो 2 रुपया क्रेडिट कार्ड पर रहा है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। बहुत से ऐसी कार्य कल्याण योजनाएँ हैं जो ये अडवाणी जी के ज़माने में, जोशी जी के ज़माने से चालू हुई थी और जो है मोदी जी ने लागू किया, और जहाँ तक बार बार हमारा यही दुख हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी का सारा काम अच्छा हो रहा, मुख्यमंत्री जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको हम दिखाना चाहते हैं। हमें एक चीज़ बताइए, भाजपा ये कह रही कि महिलाओं के दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, हमें बड़ा सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं, महिलाओं का कहे ये प्रधानमंत्री जी गलत कहते, उनके साथ में महिलाओं का ही नहीं मदद है, पुरुषों की भी मदद है, पुरुषों की भी मदद, बाकी एक प्रधानमंत्री जी से और हमारी मांग है कि जाति जनगणना भी होना चाहिए,
जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अगर सीए लागू हो रहा है तो जाति जनगणना भी होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जितने पीछे के विवादित इस तरीके के मामले पड़े हैं, सबको प्रधानमंत्री जी को सीए के साथ लागू करना चाहिए। अगर सीए लगना जायज होता है तो जाति जनगणना भी होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जय की जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए जिसकी इतनी भागीदारी, क्या भाजपा मानती है? नहीं, एक्चुअली हिस्सेदारी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या आरक्षण पे ही हमारा समाज, जब हमारा पॉपुलेशन का 1% नौकरी है संविधान में लिखा हुआ, तो उसके बाद क्या हर हाथ को हाथ काम आप लेबर खोजने चले जाइए? भाई साहब 600 रुपये लेबर लेता है कम से कम मिनिमम, अगर वो गिरी हालत में लेबर अड्डी पे काम नहीं मिला तो 400 मिलेगा, और मिस्त्री यहाँ 700 से 800 रुपये लेता है। तो यहाँ आप किसी भी वर्क में जाइए, कोई भी काम करवाना हो, लेबर ढूंढने जाइए तब पता लगता है। और कहने के लिए जिसको कोई काम धाम निठल्ले हैं, टहल रहे हैं, दूसरे का खा रहे हैं, तो नेतागिरी कर रहे हैं, तो इनसे लूटो उनसे लूटो, तो वो तो बताएंगे काम नहीं है। किसान खेतों में है और जो काम करने वाले, हम लोग तो खुशहाल हैं, व्यापारी वर्ग एकदम चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि वहाँ उसके पास गुंडों का फोन नहीं जाता है, फोन जाता है जो टैक्स चोरी करता है, वहाँ GST वाले जाते हैं, गुंडे नहीं जाते हैं। क्यों आप तो गुंडे जाते हैं बता रहे हैं, टैक्स चोरी गुंडे नहीं आते, टैक्स चोरी वाले जो है वो डरते नहीं गुंडे? अब क्यों उस बात को कहलाना चाहते हो? भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है बिल्कुल शुद्ध है, और आज अगर चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहा है, ना तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर हो रहा है, या थोड़ी बहुत चल रही है तो केवल अटल जी की, जो लोग सम्मान करते, या अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई विचारधारा है भाजपा में तो केवल राजनाथ सिंह, जो हर वर्ग और हर समाज को। हम तो कहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी लेके लड़ाई चालू है। ठीक। एक बात बहुत साफ है, जनता ने ये तो मान लिया है कि जो पिछली सरकारों में काम हुआ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उस मुद्दे को लेकर कम से कम वो चुनाव में जाएंगे। डेवलपमेंट मुद्दा होगा, महिलाओं के विकास का मुद्दा होगा, और इसके साथ ही उनके जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं वो भी इस बार प्रभावी रहेंगे। लखनऊ से उड़ने सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।